19 कस्टमाइज व्हाट्सएप स्टिकर्स बनाकर अपने चाहने वालों को करे विश। आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणपति के इस पवित्र अवसर पर। आप अपने चाहने वालों को व्हाट्सएप स्टिकर्स के जरिए विश कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने पिछले साल दिवाली के मौके पर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए व्हाट्सएप स्टिकर्स फीचर्स को रोल आउट किया था। एयरटेल इंटरनेट टीवी के साथ फ्री में मिलेगा अमेजोन प्राइम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। जियो फाइबर को इस सप्ताह व्यावसायिक तौर पर रोल आउट किया जाएगा। इसके व्यावसायिक रोल आउट से पहले एयरटेल समेत तमाम ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स अपने यूजर्स के लिए नए ऑफर्स लेकर आ रहे हैं। एयरटेल वी फाइव पर यूजर्स के लिए आज नए प्लान का ऐलान हो सकता है, जिसमें एंड्रॉइड बेड सेट टॉप बॉक्स के साथ फ्री एचडी टीवी ऑफर किया जा सकता है। मोटो G8 स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेस और 48 MP कैमरे के साथ किया गया स्पॉट। मोटोरोला मोटो जी रिसोर्स के अगले स्मार्टफोन मोटो G8 को स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेस और 48 MP कैमरे के साथ स्पॉट किया गया है। ये मोटोरोला के एंड्रॉइड 1 प्लेटफॉर्म पर आधारित मोटो जी सीरीज का अगला स्मार्टफोन हो सकता है। इस साल मोटोरोला ने मोटो जी सीरीज के तहत मोटो G7, मोटो G7 प्लस और मोटो G7 पावर को लॉन्च किया है। ओप्पो A9 को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन के अगले मॉडल ओप्पो A9 का फुल स्पेसिफिकेशन लीक हो गया है। इससे भी रियल 5 प्रो की तरह ही 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है। इसके अलावा इसके बैक में भी 4 कैमरे दिए जा सकते हैं। ओप्पो A9 के लीक हुए स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इससे लगभग सारे फीचर्स रियलमी 5 प्रो की तरह ही दिए जा सकते हैं। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।